मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। हेयर आई एम शिवान शर्मा, टुडे आई विल टॉक अबाउट वॉट एवर इट टेक्स। जिद एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। सबसे पहले हमें अपने माँ बाप का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने आज अपने सपने सेक्रीफाइस करके हमें इतना काबिल किया आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। बट जब हमारा टाइम आता है उनके सपने पूरे करने का, कामयाब होने का, तो हम एक भीड़ में खो जाते हैं। 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। दिस इज नॉट लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं अपनी ही बात करता हूँ। बचपन से एक चीज सिखाई गई, बेटा पढ़ो लिखो वरना जॉब नहीं मिलेगी। स्कूल में पहुंचे, कॉलेज में पहुंचे, एक लक्ष्य बन गया अच्छी जॉब पाने का। MBA में पहुंचा, पता चला लाइफ इज अ रेस, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। करते करते दिन रात मेहनत करी पागलों की तरह और पूरे कॉलेज की बेस्ट प्लेसमेंट हुई इंडिया की नंबर वन कंपनी में MRF में। वहाँ से करियर स्टार्टअप हुआ, पेरेंट्स बहुत प्राउड फील किया। 2 साल वहाँ पे जॉब करते करते एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे कुछ और करना था। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन सबसे बड़े होते हैं, पहला जब वो पैदा होता है, दूसरा जब उसे पता चल जाए कि वो पैदा क्यों हुआ है। तो लक्ष्य क्लियर हो गया था, एंटरप्रेन्योरशिप को चूज किया, घर में बताया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने मना किया कि लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो इतनी अच्छी सैलरी छोड़ने की, नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। तो हंस के एक बात कही थी, कभी कभी जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी को दाव पे लगाना पड़ता है। वही किया, आगे बढ़े। और आपको एक चीज बता दूं, जिन जिन लोगों को दुनिया ने आज तक पागल कहा है उन्होंने ही इतिहास रचा है। पागलपन क्या होता है? एक छोटा सा लड़का 16 साल का, 1989 इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, गेंदबाज वकार यूनिस एक बहुत तेज गेंद करता है, नाक पे बजती है गेंद, वो लड़का नीचे गिर जाता है, खून निकलने लगता है, सबको लगता है अब ये नहीं खेल पाएगा। तभी आवाज आती है मैं खेलूंगा, पागलपन। अगली ही गेंद पे 2 कदम आगे लेके सीरीज का सबसे लंबा छक्का मारता है, नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। विराट कोहली, पिता की मृत्यु हो गई पिछले दिन, ऑप्शन था कि वो जा सकता था बट टीम के लिए खेला, 90 रन बनाए और टीम को जिताया, पागलपन, वॉट एवर इट टेक्स। अरुणिमा सिन्हा, पैर ना होते हुए भी एक ऐसी सोच लेके आई कि मैंने माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है। दुनिया को लगा होगा अच्छे अच्छे नहीं पहुंचते, ये कहां पहुंच जाएगी, बट पहुंच के दिखाया, फतेह करके दिखाया, पागलपन, वॉट एवर इट टेक्स। सोच के देखिए, आप लोग भी अगर हम सोच लें कि पागलपन हमने अंदर लेके आना है कामयाबी का, तो हम भी पागल बन के बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर दुनिया आपके सपनों पे नहीं हंस रही है तो आपके सपने बहुत छोटे हैं, उसको बड़ा करने का टाइम आ गया है। क्योंकि वन डे यू विल बी एट द प्लेस यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। सो लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, मुझे खुद से जीतने की जिद है और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। थैंक यू सो मच, पागल बने कुछ करके दिखाएं।